टेलीप्रॉम्प्टर मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी आजकल खूब झूठ के गुब्बारे टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से उड़ा रहे हैं, जुमलों के शगुफे घड़ रहे हैं, परंतु जुमलों के शगुफे और झूठ के गुब्बारों से हरियाणा में डीएपी उपलब्ध ना होने की सत्यता नहीं बदल सकती। नायब सैनी जी, दो सवालों का जवाब आपको हरियाणा के किसान को देना पड़ेगा। पहला, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का एमएसपी कब देंगे? याद करिए, मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने चुनाव में वादा किया था कि 8 अक्टूबर 2024 से धान के किसान को 3100 रुपया एमएसपी का मिलेगा। हरियाणा में हाहाकार मचा है, मंडी अटियां पड़ी हैं, एक महीने से कोई खरीदने वाला नहीं। 60% से अधिक किसान ने 2000 और 2100 रुपया प्रति क्विंटल पर पीआर धान बेचा। जो मुच्छल पैदा करने वाला किसान है, 1509 पैदा करने वाला किसान है, उसे 700 और 800 रुपए क्विंटल का नुकसान उठाना पड़ा। सवाल सीधा है, जुमले मत घड़िए, सीधा बताइए टेलीप्रॉम्प्टर मुख्यमंत्री जी के धान के किसान को 3100 रुपए एमएसपी कब मिलेगा? फॉरम 17 पर जिस रेट पर धान पैदा करने वाले किसान ने अपनी फसल बेची है, उसमें और 3100 रुपए का अंतर उसके खाते में कब जमा होगा? और डीएपी को लेकर हर रोज झूठे बयानात, हर रोज झूठे आवरण, हर रोज झूठ पर झूठ बोली जा रही है। बात बड़ी सीधी है, हरियाणा में डीएपी उपलब्ध ही नहीं। हरियाणा के अनेकों ऐसे जिले हैं जहां पर एक किलो डीएपी बची नहीं। क्या मुख्यमंत्री ये बात जानते हैं? क्या वो ये जानते हैं कि अगर आप जिले देखें तो ऐसे बहुत सारे जिले हैं, जींद में कोई डीएपी नहीं, कैथल में डीएपी नहीं, चरखी दादरी में डीएपी नहीं, महेंद्रगढ़ में डीएपी नहीं, भिवानी में डीएपी नहीं, पूरा स्टॉक खत्म है। और जहां स्टॉक है भी, जितना स्टॉक चाहिए उसके मुकाबले में ना के बराबर है। सरसा का उदाहरण लीजिए, 13,000 टन डीएपी की आवश्यकता है, 900 टन डीएपी है। पानीपत का उदाहरण लीजिए, 6500 टन डीएपी की आवश्यकता है, 360 टन डीएपी है। यही बाकी जिलों की हालत भी है। यमुनानगर में केवल 800 टन डीएपी है, नूह में केवल 506 टन डीएपी उपलब्ध है, पलवल में केवल 650 टन है, झज्जर में 400 टन है। कैसे मिलेगी किसान को डीएपी? और जब डीएपी की बात श्रीमान नायब सैनी करते हैं तो उनके मुंह पर भीखे वाला के किसान राम भगत का नाम क्यों नहीं आता? मैं चुनौती देता हूं श्रीमान नायब सैनी को, मेरे साथ चलिए जींद, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, कैथल, और आइए देखते हैं कि डीएपी उपलब्ध है भी या नहीं, तो आपके शगुफों की पोल खुल जाएगी। और क्या आप जानते हैं कि 25 लाख हेक्टेयर यानी 62 लाख एकड़ में गेहूं बीजी जानी है? 7 नवंबर तक हरियाणा में केवल 37,000 एकड़ में गेहूं बीजी गई थी, जो अब 10 नवंबर तक 1 लाख एकड़ हो गया है, यानी 61 लाख एकड़ में गेहूं इसी महीने नवंबर में बीजी जानी है। डीएपी आएगी कहां से? केवल बयानात से या टेलीप्रॉम्प्टर की झूठ से डीएपी आने वाली नहीं। श्रीमान नायब सैनी जी, आप और आपकी सरकार ये बताए कि आप प्रधानमंत्री जी से और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो देश के खाद्य मंत्री हैं जेपी नड्डा साहब से, हरियाणा के किसान के लिए डीएपी कब उपलब्ध करवाएंगे और 3100 रुपए का एमएसपी धान का कब देंगे? हरियाणा जवाब मांगता है। कांग्रेस के बयानवीर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार झूठ बोल के हरियाणा के किसान को बरगलाने का प्रयास किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला को ये बात समझ लेनी चाहिए कि झूठ के सहारे राजनीति नहीं चला करती। मैं मानता हूं जिस तरह से हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में हरवाया, कांग्रेस के नेता जो है सदमे में है, बुखलाए हुए हैं, और शायद यही कारण है कि रणदीप सुरजेवाला लगातार झूठ बोल के हरियाणा की जनता को, हरियाणा के किसान को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से कुछ सवाल पूछे। पहले तो रणदीप सुरजेवाला को समझना चाहिए, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान हित के अंदर जो काम कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया था तभी उन्होंने ये साबित किया था। जैसे
औसत से कम अगर वर्षा जैसे हुई, तुरंत उन्होंने किसान भाइयों के खाते में 2000 रुपया प्रति एकड़ बोनस ट्रांसफर किया। ये उनकी सोच है किसान हित के अंदर। किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाए, ये सुनिश्चित किया। रणदीप सुरजेवाला झूठ बोल रहे हैं कि मंडियों में धान अटा पड़ा है, धान की खरीद नहीं हो रही है। रणदीप जी एक बार मंडी में जाके तो देखिए, लगभग 50.5 लाख मीट्रिक टन धान हरियाणा सरकार खरीद चुकी है। लगभग 11,500 करोड़ रुपया किसान भाइयों के खाते में सरकार ट्रांसफर कर चुकी है। एक बार जाके देखिए मंडी में, एसी कमरे में बैठ के बयानवीर बनने का प्रयास मत कीजिए। आपने डीएपी की बात की, रणदीप जी हरियाणा सरकार ने पिछले साल की तुलना में ज्यादा डीएपी हरियाणा के किसानों को उपलब्ध करवाया 9 नवंबर तक, जहां पिछले साल 9 नवंबर तक लगभग 1,46,000 मीट्रिक टन डीएपी की खपत हुई थी, इस साल 9 नवंबर तक हरियाणा सरकार लगभग 1,54,000 टन मीट्रिक टन डीएपी हरियाणा सरकार किसानों को उपलब्ध करवा चुकी है। हरियाणा सरकार के स्टॉक के अंदर 23,000 मीट्रिक टन के करीब डीएपी उपलब्ध है। लेकिन मैं किसान भाइयों से भी एक अपील करूंगा, रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि रासायनिक खादों का उपयोग हमारे हित में नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जलवायु की दृष्टि से भी। तो मेरी किसान भाइयों से एक अपील है कि कम से कम रासायनिक खादों का उपयोग करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। और रणदीप सिंह सुरजेवाला को मेरा एक सुझाव है, झूठ बोल के भ्रमित ना करें। हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस के सच को बहुत बेहतर पहचान चुकी है, और हरियाणा की जनता तो राजनीतिक रूप से बहुत समझदार है, झूठ को सोकोस से पहचान लेती है। इसीलिए चुनाव में कांग्रेस की यह दुर्गति की हरियाणा की जनता ने, इस बात को रणदीप जी को समझना चाहिए। मेरा किसान भाइयों से एक और निवेदन है, एक अपील है किसान भाइयों से कि पैनिक परचेज ना करें, क्योंकि हरियाणा सरकार पूरी तरह से इस बात के लिए संजीदा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को, चाहे डीएपी की बात करें चाहे यूरिया की बात करें, कोई भी खाद की हमारे किसान भाइयों को कमी ना हो। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि पैनिक परचेज ना करें, मतलब कि अगर हमें जरूरत है 20 नवंबर के बाद और हम सोच रहे हैं कि अभी हम लेके रख लें, कृपया ऐसा ना करें। इससे माहौल जो है वो थोड़ा सा तनाव वाला आ जाता है। सरकार लगातार डीएपी की उपलब्धता बनाए हुए है, जैसा मैंने पहले बताया लगभग 23,000 मीट्रिक टन हमारे गोदाम के अंदर हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध है, और केंद्र सरकार से 9,132 मीट्रिक टन एक दो दिन में हमारे पास और आ रही है। तो डीएपी की कोई कमी नहीं है, केवल किसान भाई इस तरह से पैनिक परचेज ना करें, यह मेरी किसान भाइयों से अपील है। धन्यवाद।